हेलो गाइस, कैसे आपसे आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट की फोटो है जो हमें लेनी है, मैं इस पर एडिटिंग करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले स्नैपचैट इस क्रॉप कर ले रहा हूँ। मैंने इतनी क्रॉप कर ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉप कर लिए। और मैं इसे स्नैपसीड से थोड़ा ब्राइट कर ले रहा हूँ। भाई, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता हो तो आप एलआर लाइटरूम से कर लीजिएगा। बाद में मैं यहाँ से इसे थोड़ा कट कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत ही बहुत थोड़ी जगह काली दिख रही थी, थोड़ा वहाँ से कट कर ज़्यादा से काली दिख रही थी। तो यहाँ दिखा रहा, मैं मार्क दिखा रहा हूँ। ब्लैक चेहरा कहाँ कहाँ दिख रहा था। अब मैं इसे पूरा ब्लैक कर लूँगा क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट अपना इसमें एडिटिंग करना है, और भाई HD प्रोफेशनल टाइप की। मुझे पूरी जगह ब्लैक एंड वाइट चाहिए इसमें, तो मैं पूरी जगह आपको भाई पूरी एडिटिंग भाई पर ब्लैक एंड वाइट कर देना है। आपको खाली ये जो आपको ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसमें छोड़कर मैं पूरी जगह ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा। ऐसे ब्राइटनेस कम करके इसका स्ट्रक्चर वगैरह बढ़ा लूँगा। और ये हम चलते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, डिवाइस में सेव कर लिया है। तो ये मेरी फोटो थी। अब ये मैं, ये हमारी फोटो सेव हो गई है, ये हमारी आ गई यहाँ पर। अब मैं इसे ऑटो डेस्क में ले लूँगा, इसे स्मूथ करना है मुझे। तो स्मूथ कर लूँगा मैं, ब्रश देख लो। Thank you.
मेरी फोटो सेव हो चुकी है यहाँ पे, मैंने पूरा स्मूथ कर चुका है। ये मेरी फोटो सेव हो गया भाई, भाई देखो कभी चार वाले एकदम मतलब स्मूथ जबरदस्त हुआ। और ये हमारी HD वाला ऐप है, मैं इसकी लिंक आपको डाल दूंगा इस पर डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब कि HD कन्वर्ट करने में या थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही खतरनाक हो चुका है भाई, आप कैसे जूम करके देख सकते हो भाई, बहुत देखो पूरे जूम करने में इतना जूम कौन सी फोटो में इतना जूम होता है, फोटो कर लीजिएगा। और बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है यार, लाइटरूम में लेके आ गया हूँ अपने फोटो को, हम अपने फोटो को रिटच कर लेंगे लाइटरूम में, अपना चेक कर लूँगा आप देख लीजिए। और मेरा जो फेस है उसमें हल्का सा पिंक सी टाइप की कुछ टोन आ रही है इसमें, और बहुत बढ़िया दिख रही है हमारा गांव वाला, तो भाई भाई बहुत ही खतरनाक टाइप का दिख रहा है यार। से ले चलते हैं हमारे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, और मैं चले इसका रेजोल्यूशन चेक कर लूँगा, रेजोल्यूशन गैलरी में, गैलरी से मैंने क्या लेना था यार मुझे यार, मुझे बटरफ्लाई लेना था, बटरफ्लाई मुझे डाउनलोड की थी पता नहीं भाई, तो चलो देख लेते हैं शायद बहन, हाँ ये फ़ोटो थी शायद, तो ये फ़ोटो देख लेते हैं हम, सॉरी सॉरी शेडो डाल दी थोड़ी, तो इसमें मैं भाई देखो बहुत ही खतरनाक टाइप का दिख रहा है, वो थोड़ा सा जो बर्फीला इलाका होता है, मैं एक दो एडिटिंग में देखा था भाई, बहुत खतरनाक टाइप की दिखती यार इसमें, आप एक दो टोन में डाल दी, देख लीजिए एक बार। और मैं जो फेस पर आ रहा है जो बेकार सा है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, इरेज कर दूंगा मैं वहाँ से, इतना हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैं एक दो रख दूंगा क्योंकि लगना भी चाहिए तो फेस पर आ रहा है कोई कोई, तो एक दो रख दिया है मैंने। जाके बटरफ्लाई ले लूंगा, बटरफ्लाई
बटरफ्लाई देख लेते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई सच मार लिया, और देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारे बटरफ्लाई दिख रही है। मैंने इसी पूरी क्रिएशन डाली है, आपको इस तरह डाल सकते हैं अपने फोटो पर जो आपकी मैचिंग करे। तो इसको थोड़ा ब्लर टाइप रख लिया भाई, आपको थोड़ा अच्छा लगे प्रोफेशनल टाइप में कुछ ना। झाड़ हो या कुछ भी ब्लर बहुत जबरदस्त होता है, वैसे हम इसे कर लेंगे। और उसके बाद में और ले लूँगा बटरफ्लाई, इसे हमें दो तीन जगह और फैला देना है। फैला देना मतलब कि मैं थोड़ा सा एक दो और रख दूँगा कि लगना चाहिए हमें हमारी बटरफ्लाई है करके। और भाई मैंने इसमें ओपेसिटी थोड़ी कम रख ली, तो आप चेक कर लीजिए आपकी आपके हिसाब से थोड़ी ओपेसिटी कम कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा रियलिटी लगे। और मैं ले लिया, और मैं यहाँ पर और लगा लूँगा अच्छी तरह से एक दो और जो कि लगे, है ना। तो हमारी पूरी फ्रेम जबरदस्त दिख रही है यार, हमारी वाली फ्रेम का लुक बहुत जबरदस्त आ रहा है हमारे इसमें ना। तो हमारा कुछ पूरा तो हो गया है, तो भाई देख लीजिए यार अपनी फोटो कैसे जहर वाली लग रही है यार। भाई क्या फोटो बना भाई यार, भाई खतरनाक तुच्छ लोग आए।